लगता है भूतनाथ बाबू। भूतनाथ 9 से 12 सिनेमा। आप ये सब क्यों पूछते हैं? आप भी क्या लिखते हैं? हाँ मैं और कौन लिखता है? ये कमरे के बाबू अजीत बाबू। अच्छा देखो गोपी, ईश्वर बाबू का जरा ख्याल रखना। उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो उन्हें लाकर देना या तो फिर हमें बताना, और अगर वे बाहर जाना चाहे तो भी हमें बताना है? उनकी तबीयत जरा खराब है इसलिए उन्हें बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जी। और सुनो, हाँ। चाय नहीं पिलाओगे? अभी लाया बाबू। ये क्या कर रहे हैं? जी बाबू, एक काम कीजिए, सर ईश्वर बाबू को दिखाइए क्या कर रहे हैं। चाहिए ना, प्लीज सर दिखाइए। पर क्यों? नहीं चाहिए ना। ईश्वर बाबू अपने कमरे में नहीं मिले ना? नहीं, लेकिन आप यहाँ लेटे हुए क्या कर रहे हैं? ईश्वर बाबू नीचे डॉक्टर के कमरे में है। तो फिर आपने मुझे ईश्वर बाबू के कमरे में क्यों भेजा? पक्का करना चाहता था वही है कि कोई और है। इधर आइए, आप मेरी जगह पर लेटिए, आपको सब पता चल जाएगा। कभी कभी नींद ना आने पर ऐसा हो जाता है, मैं दवाई देता हूं, खाकर सो जाइए। क्या बात है, ईश्वर बाबू इतने परेशान क्यों है? मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़? ईश्वर बाबू अपने कमरे में जा रहे हैं। ये लो बाबू, गरम है। अरे क्या हुआ ईश्वर, खाना नहीं खाओगे? नहीं घनश्याम, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ ईश्वर, आज सारा दिन घबराया सा है। ईश्वर बाबू क्या हमेशा से ऐसे? नहीं, वैसे इन्हें कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही परेशान से है। कब से? सुबह से ही देख रहा हूँ, सुबह भी कुछ नहीं खाया। क्यों भूतन बाबू, आपका क्या ख्याल है? ये ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते। अजीत 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 उठो, ईश्वर बाबू दरवाजा नहीं खोल रहे। उठो चल। ईश्वर बाबू दरवाजा खोलिए ईश्वर बाबू। अरे ये तो 5 बजे सुबह ही उठ जाते थे, आज न जाने क्या हो गया है इनको। हाँ। मेरे ख्याल से दरवाजा तोड़ देना चाहिए। हाँ? क्यों ना पुलिस को खबर दी जाए। अरे पहले देख तो लीजिए क्या बात है, शायद इन्हें पहले डॉक्टर की जरूरत पड़े। हाँ, 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 हाँ। तोड़ दो दरवाजा। हाँ चल। हाँ चल, चलिए तोड़ दे, चलो। ईश्वर बाबू करीबन 7 साल से हमारे लॉज में रहते थे, हर एक से उनका बर्ताव अच्छा था, कोई भी उनका दुश्मन नहीं था। लॉज का 1 रुपया भी बाकी नहीं रखा था, ना किसी से उधार लेते थे। पिछले 1 साल से वो डायबिटीज के मरीज थे, मैं ही उनका इलाज करता था। कल रात को वो कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। रात को जब वो मेरी डिस्पेंसरी में आए तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन बता नहीं पा रहे थे कि क्या बात है। मैंने सोचा रात में उन्हें आराम करने दूँ, सुबह देख लूँगा। लेकिन आप क्या समझते हैं, उन्होंने आत्महत्या की? मैं तो यही समझता हूँ। मैं नहीं समझता, मुझे पूरा यकीन है कि उनकी हत्या की गई है। कैसे? कोई भी शख्स इतनी बुरी तरह अपना गला नहीं काट सकता। हत्या किसने की ये बता सकते हैं आप? जी नहीं,
फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकता। और आप? ऐसी हालत में बड़ा ही मुश्किल है कहना कि हत्या करने की वजह बता सकते हैं? जी नहीं, डॉक्टर बाबू ने अभी आपको बताया कि ईश्वर बाबू डायबिटीज के मरीज थे। अब ऐसे मरीज को रात में अक्सर पेशाब करने जाना पड़ता है, इसी तरह वो दरवाजा खोल के बाहर गए होंगे और हत्यारा अंदर घुस आया होगा। बहुत मसरूफ नजर आ रहे हैं अनुकूल बाबू, क्या नई दवाइयां हैं? हाँ, जर्मनी से आई है। हम ईश्वर बाबू के मौत के बारे में कुछ मशवरा करने आए हैं। अच्छा हो गया आप लोग आ गए, मेरी भी यही इच्छा थी। अब आप ही बताइए घनश्याम बाबू, क्या किया जाए? ईश्वर बाबू तो आपके करीबी दोस्त थे। मैं क्या बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए तो हम लोग आपके पास आए हैं। मेरे दिमाग में 3-4 बातें घूम रही हैं। क्या? पहली बात ये कि क्या ये हत्या लॉज के बाहर के किसी आदमी ने की है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि लॉज का दरवाजा रात को 9 बजे बंद हो जाता है और ईश्वर बाबू की मौत रात 11 बजे के बाद हुई है। अच्छा मान लो कि बाहर का कोई आदमी आ गया हो और हत्या उसने की, लेकिन जिस तरह की हत्या हुई है क्या ईश्वर बाबू चिल्लाएंगे नहीं? आप लोगों में से किसी ने उन्हें चीखते सुना? नहीं, चीख तो कोई नहीं सुनी। इसीलिए मैं समझता हूं कि बाहर का कोई आदमी नहीं हो सकता। अब रहे लॉज में रहने वाले, आप लोग सब तो पुराने रहने वाले हैं, सालों से रह रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि आप में कभी कोई मारपीट हुई हो, और फिर ये तो हत्या का सवाल है। हाँ, सिर्फ मैं नया हूं, कहीं मुझ पर तो शक नहीं? नहीं नहीं, उस रात ये मेरे साथ मेरे कमरे में थे, और फिर ये क्यों ईश्वर बाबू की हत्या करेंगे? एक और बात है, हमें मालूम है हमारे मोहल्ले में कोकिन का धंधा चल रहा है, लेकिन इसका सरदार कौन किसी को नहीं पता। हाँ, अखबार में तो यही कुछ छपता रहता है। मुझे अब ये लग रहा है इस धंधे का सरदार ईश्वर बाबू थे। आप कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईश्वर बाबू को शायद यह शक हो गया था कि वो पकड़े जाएं। हाँ, ये हो सकता है, उस रात ईश्वर बाबू बहुत घबरा गए थे, हो सकता है इसी डर से कि कोई उन्हें पहचान गया है और उनका पर्दाफाश जल्द होने वाला है, इसी घबराहट से वो अपना संतुलन खो बैठे और उन्होंने खुदकुशी कर ली। चलिए यही रिपोर्ट थाने में लिखवा देते हैं। आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट, आपको इसी समय पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। रामधन सिंह जी, गिरफ्तार कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये देखिए, ईश्वर चंद चौधरी की हत्या करने के जुर्म में मनोज कुमार को गिरफ्तार करने का वारंट। आप में से किसी भी दो शख्स को शिनाख्त करनी पड़ेगी कि यही मनोज कुमार है। चलिए पुलिस स्टेशन। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चलता हूं। घबराओ मत अजीत, जल्दी वापस आ जाऊंगा। चलिए। ये देखो क्या सोच रहे थे और क्या हो गया। अरे तू? हाँ मैं, पुलिस ने काफी परेशान किया, बड़ी मुश्किल से छूट के आ रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? वकील के पास। मेरे लिए? हाँ, नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी किसी वकील की। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं, आओ। अरे आइए आइए डॉक्टर बाबू, आइए देखिए, खोटे सिक्के की तरह वापस आ गया। आप आ गए, बड़ी खुशी की बात है, शायद आप निर्दोष भी हैं। लेकिन हमारे लॉज में आपका रहना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पुलिस को मुझ पर शक है, हो सकता है पुलिस आपको भी लपेट ले, आप कहे तो आज ही चला जाता हूं। क्या कह रहे हैं मनोज बाबू? अजीत बाबू, डॉक्टर बाबू का कहना ठीक है, और फिर इन्हें अपना लॉज भी चलाना है। अरे इस वक्त आप कहां जाएंगे, शाम हो गई है। हाँ, अगर आप इजाजत दे तो आज रात रह जाऊं, कल सुबह चला जाऊंगा। ठीक है, आज की रात रह लीजिए, लेकिन
कल सुबह होते ही। कल सुबह जरूर मैं यहां से चला जाऊंगा और फिर मेरी पुरानी जगह तो है ही, जरा कुछ